भक्ति भाव से परिपूर्ण चैनल कर्म योनि में आप सभी का स्वागत है। नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। माँ दुर्गा की नौ शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी जी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली माँ का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस माँ के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल में धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में माँ ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण माँ का शरीर एकदम छिड़ हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त जरूर होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप का उपासना होता है। लोग दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की विधि जानते हैं। माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से पहले स्नान कर शुद्ध हो जाएं, फिर माता की प्रतिमा रखें या तस्वीर लगाएं। पूजा शुरू करते हुए मन में माता के नाम का स्मरण करते रहें। कोशिश करें कि सफेद या पीले वस्त्र पहनकर ये पूजन कर सकें। माँ को प्रसाद में पंचामृत जरूर चढ़ाएं। अगर पूजा में प्रतिमा रखी है तो माँ को पंचामृत से स्नान भी करवा सकते हैं। रोली, अक्षत चढ़ाएं। अरुहल या कमल का फूल अर्पित करें। ये दोनों प्रकार के फूल माँ को प्रिय हैं। दूध से बने अन्य तरह के प्रसाद भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। कपूर से माँ की आरती जरूर करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व भी जान लें। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन से कठिन तप तो पूरे होते ही हैं, अध्ययन में भी रुचि बढ़ती है, साथ ही स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, जीवन की अज्ञानता मिटती है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र जान लेते हैं, जो कि इस प्रकार है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र भी जान लेते हैं, जो कि पहला है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम ब्रह्मचारिणीय नमः, और दूसरा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। तो ये था माता ब्रह्मचारिणी के बारे में पूरा सार। दोस्तों, ऐसे ही भक्तिमय और ज्ञानवर्धक वीडियोस और स्टोरीज के लिए ईश्वरीय शक्तियों के बारे में और सत्य के खोज के आधार पर बनने वाले अनेक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसे ही खूबसूरत भक्तिमय स्टोरीज और वेदों पुराणों पर आधारित साक्ष्य पर संबंधित विषयों पर वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। आप सभी पर, आपके पूरे परिवार पर माता रानी यूं ही अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।